तो लूट मची है, लूट मची है, लूट मची है जी, लूट लो। सबके लूटने के साथ साथ हम भी पहुंच गए लूटने जनपद मार्केट में। तो ये जिनको नहीं पता, ये मार्केट है सीपी कनॉट प्लेस, जो दिल्ली में है वहां पे है। ये सरोजनी नगर की तरह ही मार्केट है, बट सरोजनी नगर के जैसा सस्ता सामान नहीं मिलता और यहाँ उतनी ज़्यादा शॉप्स आपको नहीं मिलेंगे, बट यहाँ भी सब कुछ मिलेगा आपको। इंडियन वेस्टर्न आउटफिट्स और जो भी क्लॉथ वगैरह एक्सेसरीज है आपको, बूट्स वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल होगा। और आप अगर यहाँ जा रहे हो तो आपको बार्गेनिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, और ऐसा नहीं एक दुकान पर पता कि वहीं से ले लो, आप दो तीन दुकान हर जगह पता करो उसके बाद ही सामान लेना, तो आप अच्छे से बार्गेन करके और अच्छे से प्राइसिंग वगैरह वो करके आप ले सकते हो वहाँ पे। तो मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है और कितने प्राइस वगैरह मिले हैं वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अब मैं बताती हूँ कि तो हम जनपद से क्या क्या लेके आए हैं वो मैं आपको शो करती हूँ। मैं रैंडमली दिखाऊंगी जो यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है, जो पहले आ जाएगा वो मैं आपको दिखा दूंगी और उसका प्राइस बता दूंगी। मैं पहले बता दे रही हूँ कि जो सारे हैं वो 200 और 250 के अंदर ही है, उस एग्जैक्ट प्राइस मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट 250 से अबव कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो इसी के हिसाब आप लगा लेना, मतलब और एग्जैक्ट क्या क्या प्राइस है वो नहीं पता, बट 250 के अंदर ही है सारा। तो जो फर्स्ट हमने वहाँ मतलब लिया था वो प्रोडक्ट है वो ये लोअर है, जो कि ये मेरे लिए है, ये मैंने अपने खुद के लिए लिया था। और यहाँ पे पूमा का लोगो बना हुआ है, बट पूमा का तो नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल सा है। ऐसे कलर का पैंट जॉगर जो मैंने मिंत्रा पे देखा था, सासाफरस जो ब्रांड है उसका था, वहाँ पे 700-800 का मिल रहा था समथिंग, बट ये मुझे 200 में मिल गया तो मुझे लगा चलो ठीक है, तो हमने ले लिया। तो एक मैंने ये अपने खुद के लिए लिया है, एक मेरी डॉटर के लिए लिया था हमने, तो उसका भी ये है सेम कलर, इसका थोड़ा सा डिफरेंट कलर, थोड़ा सा मिंट कलर में है, या जो भी कलर करूँ मुझे तो मिंट लग रहा है। तो ये हमने लिया था उसके लिए, ये भी 200 का है, सेम शॉप से हमने लिया था। और इस तरीके से है, इसमें भी पॉकेट है, तो पॉकेट है तो बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा बहुत अच्छा हो जाता है पॉकेट रहने से, इजीली हो जाता है हैंडी। तो ये मैंने मेरी डॉटर के लिए लिया था हमने। फिर हमने लिया था दो, हमने बेल्ट लिया था सेम शॉप से, ये बेल्ट जो कॉर्सेट बेल्ट है वो मैंने तीसरी शॉप पे जाके लिया, क्योंकि वहां पे बार्गेनिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट हो जाती है, करते रहो तो हो जाती है बार्गेनिंग। तो फर्स्ट दो शॉप पे मैंने पूछा था, वहां पे 600 और 650 कोट कर रहे थे इसका प्राइस, बट मुझे वहां जाके इतना महंगा मुझे लेना नहीं था, मुझे लगा अगर इतना प्राइस में लेना है तो ऑनलाइन ले सकते हैं या कहीं और देख सकते हैं जनपद वगैरह से क्यों ले। बट आगे गई तो ये मुझे मतलब वहां पे भी ऐसे ही प्राइस बताया था, बट उन्होंने मैंने 250 बोला, 250 में उन्होंने दे दिया, तो मैंने फिर ज्यादा नहीं बोला, 250 का हमने ये ले लिया। और इसको मैंने स्वेटर के साथ स्टाइल किया, तो स्क्रीन पे लगा दूंगी सारा जो मैं भी दिखा रही हूँ उसका ट्राई ऑन स्क्रीन पे आपको दे दूंगी, तो आप देख लेना कि मुझ पे कैसा लग रहा है वो। तो ये बेल्ट हमने लिया था 250 का। फिर मेरे डॉटर के लिए लिया था बेल्ट हमने, ये मैं भी लगा सकती हूँ वो भी लगा सकती है, दोनों ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमने लिया था, ये नॉर्मल सी बेल्ट जो होती है, नॉर्मल सी बेल्ट है, लेकिन इसमें जो इसका जो सबसे हमें अच्छा लगा वो इसका बकल है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पर्ल का वर्क हुआ है, और ये लगने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो आप इसको, या ड्रेस के साथ भी लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये हमने लिया था। उसके बाद जो है, अब सारे स्वेटर ही है, विंटर में गए हैं तो ऑब्वियसली ढेर सारे स्वेटर ही लेके आएंगे। तो जो फर्स्ट स्वेटर है वो है ये, हमने लिया था वो इस तरीके का है, ऐसा स्वेटर मैंने बहुत देखा है, बहुत ज्यादा चल रहा है ये स्वेटर। तो इससे दो कलर में आता है, ये व्हाइट कलर और यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन टोन का कलर दिया हुआ है इस तरीके से, ब्राउन टोन में, और ये बहुत ही ज्यादा लूज सा है, मतलब बहुत ज्यादा ढीला है मेरे ऊपर, मैंने पहन के जब देखा ट्राई ऑन में आपको पता चल जाएगा। और इसमें यहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्लिट है जो कि अच्छा है, लग रहा है, और इसको आप मतलब किसी तरीके से स्टाइल कर सकते हो, अंदर इतना ढीला है कि अंदर भी आप पहन सकते हो, तो और बहुत ही अच्छा, ये कोजी सा, इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये सर 250 का था। उसके बाद हमने एक शॉप से लिया था, दो तीन हमने लिया था एक शॉप पे ही, तो ये है वहां से जो कि सबसे पहले हमने देखा था, तो हमें ये बहुत ही अच्छा लगा था, ये थोड़ा सा क्रिसमस वाइब दे रहा था, तो इसलिए हमने वहां से लिया था। इस तरीके का व्हाइट कलर और रेड कलर से इसके पे पूरा हुआ है वर्क, मतलब जो भी है कढ़ाई जो भी बोल लो, और यहाँ पे पीछे इसमें आगे पीछे दोनों थोड़े से हिरन जो रेंडर होते हैं वो बने हुए हैं इस तरीके से इसमें है, और ये मुझ पे बड़ा होता है, और ये तो हम सब लोग पहन सकते हैं, मैं भी पहन सकती हूँ अगर चाहे तो, मेरे हस्बैंड भी पहन सकते हैं, और मेरी चाहे डॉटर भी पहन सकती है। तो इस तरीके से है ये स्वेटर, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत ही ज्यादा ये लूज सा है, बहुत ही ज्यादा इसकी फिटिंग लूज है। तो इस तरीके से जो हमने लिया था, और कुछ ही प्रोडक्ट अब बच गए हैं जो हमने एक शॉप से लिया था, वो है थ्री स्वेटर हमने एक जगह से लिया था, उसमें ये भी आता है, ये मेरी डॉटर का है,
जो कि उसने अपने लिए लिया था, और ये मतलब पर्पल कलर में है। यहाँ पे ट्रायन में थोड़ा सा डिफरेंट कलर लग रहा था, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे पूरे बहुत ही ज्यादा डार्क पर्पल में है। और यहाँ पे इसमें कुछ लोगो बना हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, और अच्छा है, इसका भी मटेरियल सॉफ्ट है। और उसके बाद जो हमने लिया था ये भी जो स्वेटर है वो भी मेरी डॉटर का ही है, ये क्रॉप स्वेटर है, ये क्रॉप है इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा बाजू जिसका थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी सा है, और इधर जो है वहाँ पे ये थोड़ा सा सिंच हुआ हुआ है, तो ये है। और ये क्रॉप स्वेटर है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। ये मैंने इसको पहले मैंने पहले भी पहना हुआ था, तो ये इस तरीके से। ये सेम शॉप से हमने फिर लिया था एक ये स्वेटर, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में था, और ये थोड़ा सा है जो लाइटिश पिंक कलर होता है, लाइटिश पिंक या गाजरी कलर जो भी बोल लो आप, वैसा सा कलर है, लाइट पिंक या गाजर कलर जो भी, उस तरीके से लग रहा है, ये आप देख सकते हो, तो इस तरीके से है। और ये भी मुझे लूज लूज हो रहा था, ये मुझे समझ में नहीं आया था कि लूँ या नहीं लूँ, बट मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा, बोले कि अच्छा लग रहा है तो हमने ले लिया ये। और ये भी तीनों एक जगह से लिया था, तो तीनों का जो प्राइस था वो 200 या 250 तीनों का लगाया था। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।